फिर से मैं ले आया हूँ आपके लिए टीवीएस अपाची आरटीआर 160 और ये स्पेशल एडिशन फैंसी काम नहीं चाहिए जिनको यूजफुल एक्सेसरीज चाहिए, सेफ्टी बढ़ाता है प्लस लुक भी। मैट कलर का जो बाइक है सबसे मैट कलर की इसमें लेमिनेशन की गई है। इसके अलावा गाइस यहाँ पर बागबसर के ओरिजिनल हैंड गार्ड लगा रहे हैं, तो आप देखोगे तो ये बहुत ही हैवी क्वालिटी में हैंड ग्रिप लगा रहे हैं। यहाँ पर आपको पॉम रेस्ट मिल जाता है, यानी कि लॉन्ग राइड के समय में आप इसको इस तरीके से होल्ड करके इस तरीके का आता है। आपको पता ही है कंपनी फिटेड, जो कि मुझे नहीं लगता है ये कोई सेफ्टी करता होगा। आप जो लगाने वाले हैं वो देखो ये फुल बॉडी क्रैश गार्ड है, तो ये कुछ इस तरीके से लगेगा। ये देख सकते हो गाइस। सो ऑल राइट लवली पीपल, आई होप डूइंग एब्सोल्युटली फाइन गाइस। मैं हूं कोस्ट आपका दोस्त, ले आपके लिए कौन टॉपिक एक और वीडियो एंड नाउ वाचिंग योर माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली गाइस एक बार फिर से मैं ले आया हूं आपके लिए टीवीएस अपाची आरटीआर 160। ये है स्पेशल एडिशन और इस पर करने वाले हैं डिसेंसी मॉडिफिकेशन। जिन लोगों को ज्यादा फालतू मॉडिफिकेशन नहीं करनी है, ज्यादा लाइटों का काम नहीं कराना है, तो वो इस तरीके की मॉडिफिकेशन करा सकते हैं। ये मॉडिफिकेशन है सिर्फ सेफ्टी के हिसाब से। लाइक इसमें इंस्टॉल किया फुल बॉडी क्रैश गार्ड, जिसको लगाने के बाद आपका इंजन, आपके लेग और आपका जो है टैंक हो जाता है प्रोटेक्ट। इसके अलावा इसमें जो लगाए हैंड गार्ड वो विदाउट लाइट वाले हैं और इतने हैवी क्वालिटी के हैं कि अगर फ्यूचर में आपका बाइक कभी गिरा भी तो आपके क्लच एंड लीवर टूटेंगे नहीं, प्लस बाइक का लुक हो जाता है इनहेंस। और ये ओरिजिनल बागबस्टर के हैं। इसके अलावा गाइज इसमें लगाया गया है हैजार्ड सिस्टम, जिसमें आपको 40-50 तरीके के पैटर्न मिल जाते हैं। LED बल्ब लगाए गए हैं गाइज, और फुल बॉडी को किया गया है लेमिनेशन। लेमिनेशन जो की गई है वो की गई है मैट। अगर आपका ग्लॉसी है तो आप ग्लॉसी करा सकते हो, मैट है तो मैट। और लेमिनेशन जो की गई है वो इतनी डिसेंट तरीके से की गई है, मतलब पता नहीं चलेगा कि इसमें लेमिनेशन की भी गई है या फिर नहीं की गई है। बाकी जो है छोटे मोटे स्क्रैचेस वगैरह जो होते हैं वो इस तरीके के लेमिनेशन कराते हो तो पता नहीं चलते। प्लस अगर रीसेल आप करते हो अपनी बाइक को कभी भी तो आपके अच्छे प्राइस मिल जाते हैं, क्योंकि आपकी बाइक का जो पेंट है वो हो जाता है प्रोटेक्ट। जब भी आप उसको सेल करोगे तो आप लेमिनेशन उतार के सेल आउट कर सकते हो। और इसके अलावा बहुत सारी वीडियो आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएंगी अपाची की, चाहे आपके पास कोई भी एडिशन हो या कितने भी सीसी की, उसे चेकआउट कर लेना एंड सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों। सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज के सिनेरियो में फिर से मैं ले आया हूं आपके लिए टीवीएस अपाची आरटीआर 160 और ये है स्पेशल एडिशन। और इस पर करने वाले हैं डिसेंसी मॉडिफिकेशन। जिन लोगों को फैंसी काम नहीं चाहिए, जिनको यूजफुल एक्सेसरीज चाहिए जो कि आपकी बाइक की सेफ्टी बढ़ाता है प्लस लुक भी, तो उस तरीके के ऑप्शन पे आप जा सकते हैं। मैं दिखाता हूँ एक करके इसमें क्या क्या एक्सेसरीज आज ऐड करने वाले हैं, और काफ़ी हद तक इसमें एक्सेसरीज ऐड कर दी गई है। यहाँ पर आप देखते हो जिस तरीके से आपका मैट कलर का जो बाइक है तो उसी हिसाब से मैट कलर की इसमें लेमिनेशन की गई है। आप ग्लॉसी भी करा सकते हो, डिपेंड योर चॉइस। तो ये मैट में आप देख सकते हो, इसमें आपको देखने को मिल जाती है, ये देख सकते हो इसकी कटिंग वगैरह बाकी है। और जो फुल बॉडी में जैसे कहते हैं, तो फुल बॉडी में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, मडगार्ड हो गया, ये दोनों साइड के हो गए आपके हेडलाइट के, इसका टैंक तो आपका है ही ऑफिशियली, और ये साइड के पीछे पूरे ये देख सकते हो ये वाले पार्ट। तो ये वाले पार्ट जो है ये प्रॉपर फुल बॉडी में कवर होते हैं, यानी कि अगर आप फुल बॉडी लेमिनेशन कराते हो तो ये तो फुल बॉडी में आपका ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, ये पूरा टैंक हो गया, ये वाला साइड का ही आप जैसे कर रहे हैं। और इससे सबसे अच्छी बात ये है कि इसको साइड से ना पन्नी नहीं चढ़ा रहे हैं, इस पर भी ब्लैक कलर की ही ग्राफिक जैसे रैपिंग टैपिंग वगैरह कहते हैं तो वो कर रहे हैं, और ये आपका मडगार्ड भी किया जाएगा। सो गाइस करने को तो इस पर भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाला पार्ट इसलिए नहीं करते लेमिनेशन, क्योंकि इस पर क्या होता है मिट्टी वगैरह लगती रहती है, थोड़ा सा भी कोना अगर हटा तो पूरी फिर अपने आप ही हट जाती है, और मतलब 2-4 दिन के अंदर अंदर अपने आप ही हट जाती है, तो इसलिए इसको करते नहीं है। तो ये भी एक चीज़ है, बाकी सारी लेमिनेशन मैंने आपको दिखा दी। इसके अलावा गाइस यहाँ पर बागबसर के ओरिजिनल हैंडगार्ड लगा रहे हैं, और इस हैंडगार्ड को आप देखोगे तो ये बहुत ही हैवी क्वालिटी में है। ये CNC में देख सकते हो आप, पूरा सिल्वर का है ना, ये सिल्वर में है और ये बहुत ही हैवी है। देखो इनकेस कभी अगर आपका बाइक गिरता है ना तो आपका जो है क्लच एंड लीवर टूटते नहीं है, प्लस लुक भी रहता है इनहेंस। और ये ओरिजिनल बागबस्टर के हैं, एक मिनट। तो ये भी जो एक्सेसरीज हैं ये काफ़ी जो है आपकी यूजफुल है सेफ्टी के हिसाब से, और लुक भी बढ़ा देती है। इसमें लाइटें लूटे का कोई काम नहीं किया गया, वाइजर भी नहीं लगा रहे हैं इसमें, बाकी आप इसको पर हैंड ग्रिप लगा रहे हैं। सो गाइस यहाँ पर आप इसको ये ग्रिप नॉर्मल ग्रिप नहीं है, यहाँ पर आपको पॉम रेस्ट मिल जाता है, यानी कि लॉन्ग राइड के समय में आप इसको इस तरीके से होल्ड करके और अपनी राइड को एंजॉय कर सकते हो, बार बार आपको यू नहीं करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। इसके अलावा इसके अंदर यहाँ पर आप इसको LED बल्ब लगा रहे हैं, ये देख सकते हो, क्योंकि हैलोजन का फोकस और ब्राइटनेस होती नहीं है तो यहाँ पर LED यूज़ कर रहे हैं। और साथ ही इसमें लगाया गया सिमटेक का हैजार्ड, जिसमें आपको 40-50 तरीके के पैटर्न मिलते हैं। सारी डिटेल मैं दिखाऊंगा बाद में, क्योंकि अभी इसमें मॉडिफिकेशन का काम चालू है। इसके अलावा यहाँ क्रैश गार्ड लगा रहे हैं, और क्रैश गार्ड ये नॉर्मल क्रैश गार्ड नहीं है। सो गाइस ये कुछ इस तरीके का आता है, आपको पता ही है कंपनी फिटेड, जो कि मुझे नहीं लगता है ये कोई सेफ्टी करता होगा, तो ये कुछ इस तरीके से लगा होता है। लेकिन इसको हटाकर आप जो लगाने वाले हैं वो देखो, ये फुल बॉडी क्रैश गार्ड है, जिसमें आपको 2 स्लाइडर मिल जाते हैं। लॉन्ग राइड के समय में आप इस पर पैर भी रख सकते हो, ये कुछ इस तरीके से लगेगा, ये देख सकते हो गाइस। और आप देखो इससे आपका टैंक, आपका इंजन और आपके लेग प्रॉपर तरीके से हो जाते हैं प्रोटेक्ट, और ये बहुत ही हैवी क्वालिटी का है, जो कि कुछ इस तरीके से यहाँ पर लग जाएगा। तो अब इसमें एक्सेसरीज बाकी हैं, और यहाँ पर उससे रैपिंग का भी काम चालू होता है, पहले कंप्लीट कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ फाइनल पे कि इसमें कैसा लुक आता है फाइनल के बाद। सो गाइस जो मॉडिफिकेशन थी वो हो चुकी है कंप्लीट, और बैठने के बाद अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से लुक आता है, ये देखो गाइस।
और इसे कहते हैं डिसेंट मॉडिफिकेशन, यानी कि यूजफुल मॉडिफिकेशन, जो कि आपको बाइक लेने के बाद सबसे पहले करा लेना चाहिए। देखो फर्स्ट ऑफ है इसमें वो है लेमिनेशन। लेमिनेशन होने के बाद कोई जज नहीं कर सकता कि इसमें लेमिनेशन की गई है या फिर नहीं की गई है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ बॉर्डरिंग लगा दी है जो कि ब्लैक कलर की है, ताकि इसका जो लेमिनेशन है वो जगह जगह से हटे नहीं, प्रॉपर तरीके से लगा दिया। ये मैट में लिया गया है, आप चाहो तो इसमें ग्लोसी में भी करा सकते हो, डिपेंड योर चॉइस। सीट भी बनवा सकते हो आप, लेकिन ये सिंपल ही रखा गया है। तो फर्स्ट हो गई लेमिनेशन हो गई, जो कि कुछ इस तरीके से आपका जो है प्रॉपर तरीके से कवर कर दिया गया। फ्रंट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बकबस्टर के ओरिजिनल हैंड गार्ड लगाए गए, इसमें कलर काफी सारे मिल जाएंगे, बट इसमें ब्लैक कलर के लिए गए, जिसमें आपको कार्बन फिनिश देखने को मिल जाती है, वो भी मशीन वाली है, देख सकते हो, जो कि कभी हटती नहीं क्योंकि ये मशीन का डिज़ाइन है। और यहाँ पर आपको प्रॉपर एक मेटल की एक पूरा प्रॉपर क्लैंप आ रही है, ये देखो, जिससे इनकेस कभी अगर आपका बाइक गिरता भी है, वैसे तो ना गिरे तो अच्छा है, लेकिन गिरता है तो आपके जो है क्लच एंड लीवर टूटते नहीं है। और ये मैंने आपको दिखाया था, इसमें पाम रेस्ट मिल जाता है, तो ये इस तरीके की हैंड ग्रिप है। और ये ब्लैक और रेड के हिसाब से बिल्कुल आपकी बाइक के कलर से मैच किया गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ हो गई। और हैजार्ड जो मैंने बताया था आपको, इसमें LED बल्ब लगाया था, उसका इग्निशन ऑन करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ, देखो हैजार्ड कैसे वर्क करता है। तो जी सो ये जो आपका स्विच है, इसको आप लेफ्ट राइट पीछे प्रेस करते हो फास्ट फास्ट, तो उसके जो पैटर्न है वो चेंज होते रहते हैं। इसमें 40-50 तरीके आपको पैटर्न मिल जाते हैं, सेम पैटर्न आप इस तरह भी देख सकते हो। और LED बल्ब यहाँ पर भी लगाए गए हैं, ये देख सकते हो आप, जो अभी दिन का समय है लेकिन फोकस इसकी कम नहीं है, काफ़ी इसका फोकस है। सेम कॉन्सेप्ट आपको यहाँ आगे भी देखने को मिल जाता है, और फ्रंट से कुछ इस तरीके से लुक आता है गाइस। यहाँ पर हेडलाइट की जगह के नीचे ये जगह खाली थी, तो यहाँ पर हमने लगा दी है विंग लाइट, जो कि वैसे डोमिनोर 400 की है, लेकिन इस पर काफ़ी अच्छी लगती है और ये कुछ इस तरीके से लुक देती है। फुल बॉडी क्रैश गार्ड आप देख सकते हो, जो कि कुछ इस तरीके से लुक दे रहा है। लॉन्ग राइड के समय आप इस पर अपना पैर भी रख सकते हो इस तरीके से, बाकी गिरता है तो बाइक की सेफ्टी तो ऑब्वियसली रहती है, क्योंकि बाइक के टैंक से तो कितना जो है अलग है, यहाँ से देख सकते हो आप। इससे कि फ्यूचर में कभी अगर आपकी बाइक गिरी तो ये चीज़ आपका सेफ रहता है, आपका इंजन, आपका टैंक और आपके लेग्स प्रॉपर तरीके से जाते हैं कवर। और यहाँ पर जो आप देख सकते हो गियर का जो है कवर लगा दिया गया, जो कि काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है। और ये काफ़ी यूजफुल एक्सेसरीज है, जो कि आप बाइक लेने का सबसे पहले करा सकते हो गाइस। सो गाइस यहाँ पर एक विदाउट चार्जिंग वाला मोबाइल होल्डर लगाया, आप चार्जिंग वाला भी लगा सकते हो, ये मेटल में होता है, प्लास्टिक में नहीं है, बहुत ही हैवी क्वालिटी का है। बाकी इसके अलावा भी बहुत सारी वीडियो आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगी अपाची की, सो चेकआउट कर लेना गाइस। सो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी TVS अपाची RTR 160 स्पेशल एडिशन की मॉडिफिकेशन एंड एक्सेसरी जो मैंने आपको दिखाई। अगर आप इस तरीके की काम करवाना चाहते हो, दिल्ली के रहने वाले हो, तो करोल बाग नाईवाला मार्केट में आप आ सकते हो। बाकी डिटेल कॉन्टेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सब चेकआउट कर लेना। तो मैं तो आपसे विदा, मैं आपसे मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में किसी और, तब तक के लिए टिल देन गुड बाय, जय हिंद जय भारत दोस्तों।